गुड मॉर्निंग क्लास। कट सेट और फंडामेंटल कट सेट हमने पढ़ा था, आज हम उनसे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड एस बी अ कट सेट इन जी। एस कट सेट है जी का, देन एस कंटेन्स एटलीस्ट वन ब्रांच ऑफ एवरी स्पैनिंग ट्री। मतलब कट सेट के पास, अगर हमने कट सेट लिया है तो इसका मतलब है उसके पास कम से कम एक ब्रांच ज़रूर होगी स्पैनिंग ट्री की। सो प्रूफ देखते हैं। लेट जी इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड वी नो दैट एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। हर कनेक्टेड ग्राफ के पास कम से कम एक स्पैनिंग ट्री होता है ज़रूर, ये रिजल्ट हमें पता है। लेट एस बी एनी कट सेट इन जी। तो अगर ये कट सेट है जी का, तो अगर मैं जी में से एस रिमूव कर दूँ तो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ मिल जाएगा, जी में डिसकनेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो जी माइनस एस इज़ अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे एस क्या होता है, सिर्फ एजेस का सेट होता है, सिर्फ ई में से रिमूव होता है, वी में से कुछ चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर? देन जी माइनस एस, तो जी माइनस एस डिसकनेक्टेड ग्राफ है, बट अगर मैं एस की जगह इसका कोई प्रॉपर सबसेट ले लूँ तो तब तो कनेक्टेड ही रहेगा ना, क्योंकि कट सेट की डेफिनेशन ही यही होती है कि ये मिनिमल सेट होता है, जिसको हम रिमूव करें तो वो डिसकनेक्शन प्रोड्यूस होती है। अगर उसका कोई प्रॉपर सबसेट लेते हैं तो वो डिसकनेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, ग्राफ फिर भी कनेक्टेड ही रहता है। सो अगर एस वन कोई प्रॉपर सबसेट एस का लिया और मैंने एस वन को इसमें से रिमूव किया तो क्या होगा, हमारी डिसकनेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, ग्राफ फिर भी कनेक्टेड ही रह जाएगा। अब हमने क्या लेट किया, एक ट्री लेट किया जी का, स्पैनिंग ट्री। ठीक है, स्पैनिंग ट्री है तो वर्टिसेस सारी होती हैं स्पैनिंग ट्री में, एजेस कम होते हैं, सो ई डैश ले लिया एज सेट। अब हमें प्रूफ करना है कि कट सेट के पास कम से कम एक ब्रांच है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हमने कंसिडर किया कि एस के पास कोई भी ब्रांच नहीं है स्पैनिंग ट्री की। ठीक है, अगर इसके पास कोई भी ब्रांच स्पैनिंग ट्री की नहीं है तो मींस कट सेट क्या होता है, एजेस का सेट। तो एजेस का सेट और जो ट्री का स्पैनिंग ट्री का एजेस का सेट है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कॉमन होता तो ब्रांच मिलती, कॉमन नहीं है मींस ब्रांच नहीं मिलेगी। तो इनमें जो इंटरसेक्शन आएगी दैट इज फाई। अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन फाई है तो देखो, ये जो हमारा ओवरऑल था ये सेट कहाँ से आ रहे हैं, ओवरऑल जो एज सेट है वो पूरा ई है। ठीक है, ई में से हमने एक एस बनाया कट सेट, फिर हमने बोला ई और एक ई डैश भी है कोई ई का ही सबसेट, क्योंकि वो भी एज सेट का ही सबसेट है ट्री, स्पैनिंग ट्री। तो ये जो ई डैश है उसका एस के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब वो कुछ इधर है, सो ये ई डैश। तो हमें जो ई डैश होगा वो कहाँ कंटेंड है, सॉरी ई डैश लिखो इसको, सो ई डैश कहाँ कंटेंड है, ई माइनस एस में। ठीक है, या तो वो इक्वल है उसके ई माइनस एस के, ई में से सिर्फ एस रिमूव कर दो, बाकी सारा ई डैश जो है उसमें कंटेंड होगा, क्योंकि बाकी सारा कौन बचेगा, ये बचेगा, ये सब बचेगा, ये पोर्शन, और इस पोर्शन में इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, ये सारा पोर्शन बचेगा और ई डैश कहाँ है, इसी पोर्शन में। सो ई माइनस एस में कौन है, ई डैश है। अब क्योंकि ये जो है स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, सब ग्राफ होता है, किसका, ग्राफ का, जी का सब ग्राफ होता है स्पैनिंग ट्री। बट क्योंकि इसका एज सेट, क्योंकि वर्टिसेस तो हमारी सेम ही है, इसका एज सेट ई माइनस एस में जा रहा है, तो ये जी माइनस एस का भी सब ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी कंटेंड हो जाएगा। सो टी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी माइनस एस, और जी माइनस एस क्या है, जी माइनस एस तो कनेक्टेड है। सो सिंस टी इज कनेक्टेड, ठीक है, अगर T कनेक्टेड है तो G माइनस एस भी कनेक्टेड हो गया, और G माइनस एस कनेक्टेड होने का क्या मतलब है कि जो हम, सॉरी ये मैंने गलत वर्ड बोला, यहाँ पे G माइनस एस कनेक्टेड नहीं है, G माइनस एस डिसकनेक्टेड है। S कट सेट था, कट सेट को G में से रिमूव करते हैं तो डिसकनेक्शन आती है, डिसकनेक्टेड। सो जी माइनस, अगर टी कनेक्टेड है, स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड होता है हमेशा, स्पैनिंग ट्री अगर कनेक्टेड है, सब ग्राफ कनेक्टेड है, तो जी माइनस एस भी कनेक्टेड होगा, और अगर ये कनेक्टेड है तो क्या मिलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, क्योंकि एस क्या था, कट सेट, कट सेट के लिए अगर मैं जी में से कट सेट रिमूव करती हूँ तो
डिसकनेक्टेड आना चाहिए, बट यहाँ क्या रहा है, कनेक्टेड. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव्स दैट कि एस के पास कम से कम कोई ना कोई ब्रांच तो आएगी, मतलब नो ब्रांच वाला जो केस है ना वो गलत है, कोई ना कोई एक ब्रांच तो आएगी. सो एटलीस्ट वन ब्रांच ऑफ स्पैनिंग ट्री कंटेन करेगा ही करेगा कट सेट. सो दिस कम्प्लीट योर प्रूफ. नेक्स्ट थ्योरम है, लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड एस इज अ मिनिमल सेट ऑफ एजेस. एस क्या है, मिनिमल सेट है एजेस का ऑफ जी कंटेनिंग एटलीस्ट वन ब्रांच. ठीक है, एस इस टाइप का मिनिमल सेट है कि वो कम से कम एक ब्रांच को तो कंटेन करता ही है. देन एस इज अ कट सेट इन जी, तो ये कट सेट बन जाएगा, मतलब ये ऑलमोस्ट इसका कन्वर्स पार्ट है. तो देखो, जी इज इक्वल्स टू वी कॉमा ई बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड एस बी द मिनिमल सेट ऑफ एजेस ऑफ जी कंटेनिंग एटलीस्ट वन ब्रांच ऑफ ईच स्पैनिंग ट्री. कनेक्टेड ग्राफ के पास स्पैनिंग ट्री होता ही होता है, ये हमें पता है. हमने सब ग्राफ कंसिडर किया है जी माइनस एस. हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो जी माइनस एस है ये डिसकनेक्टेड है, तभी तो एस क्या बनेगा, कट सेट बनेगा. ठीक है, कट सेट बनने के लिए जी माइनस एस को डिसकनेक्टेड होना पड़ेगा. सो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे इसको भी. सो इफ जी माइनस एस इज कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अगर ये कनेक्टेड हुआ देन कनेक्टेड के पास तो स्पैनिंग ट्री होता है, तो एक कम से कम एक स्पैनिंग ट्री टी होना चाहिए. हमने उसको लेट कर लिया वी कॉमा ई डैश. देन टी इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री ऑफ जी, क्योंकि अगर टी जी माइनस एस का ही स्पैनिंग ट्री है तो वर्टेक्स तो सारी आती हैं इसमें, तो ये जी का भी तो स्पैनिंग ट्री बनेगा. तो अगर ये जी का स्पैनिंग ट्री बन रहा है और E डैश कहाँ कंटेंड है, E माइनस एस में, जैसे हमने वेन डायग्राम से यहाँ देखा था. सो E डैश इज कंटेंड इन E माइनस एस. सो दिस इम्प्लाइज S और E डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स S कंटेन्स नो ब्रांच ऑफ T. बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि S हमने क्या लिया था, मिनिमल सेट लिया था जो कि कम से कम एक ब्रांच को कंटेन करता है, एटलीस्ट वन ब्रांच को कंटेन करता है. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ दैट जी माइनस एस इज डिसकनेक्टेड. और ये मिनिमल तो ऑलरेडी था, मीन्स अगर इसका कोई प्रॉपर सबसेट लेंगे तो वो कनेक्टेड नहीं बनेगा, सॉरी डिसकनेक्टेड नहीं बनेगा. सो बाय डेफिनेशन ऑफ कट सेट एस बिकम्स अ कट सेट. अब लास्ट थ्योरम है हमारे लेक्चर की आज की, जल्दी जल्दी देखो इसको, ईजी थ्योरम है, अच्छी सी थ्योरम है. लेट एस बी ए कट सेट इन ए कनेक्टेड ग्राफ, जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, और सी क्या है, सर्किट है जी के अंदर. देन द नंबर ऑफ कॉमन एजेस बिटवीन एस एंड सर्किट आर इवन. कट सेट और सर्किट के बीच में जो नंबर ऑफ एजेस आएंगी वो इवन आएंगी. सो लेट जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई बी अ कनेक्टेड ग्राफ एंड एस बी अ कट सेट इन जी. एंड एस एस अगर कट सेट है, सो दिस प्रोड्यूसर्स पार्टीशन ऑफ जी इंटू टू कनेक्टेड कॉम्पोनेंट से जी वन एंड जी टू. इस टाइप से इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा और दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, दोनों की यूनियन क्या बनेगी, ई माइनस एस. अब एक सर्किट कंसिडर किया हमने एक्स से लेके एक्स तक जी का. अब हम सपोज करेंगे कि ये एक्स कहाँ बिलोंग करता है, वी वन में. ठीक है, क्योंकि ये एक्स कहाँ से आ रहा है, देखो हमने ये सर्किट लिया है ना, दिस इज एक्स. सर्किट एक्स से स्टार्ट हुआ और एक्स तक ही गया, ठीक है ना, एक्स से स्टार्ट होके एक्स तक सर्किट गया है, और सर्किट के अंदर हमारी एजेस आ रही हैं और वर्टिसेस आ रही हैं, और जो वर्टेक्स सेट है वी, हमने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, वी वन एंड वी टू. तो अगर ये मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है इस ग्राफ के एज सेट वी को, और एक्स कोई भी वर्टेक्स है, तो या तो वो V1 से बिलोंग करेगी या V2 से बिलोंग करेगी, क्योंकि वो G ग्राफ के एक वर्टेक्स हैं और उसका वर्टेक्स सेट V है. अगर ये V से बिलोंग करती है तो या V1 में जाएगी या फिर V2 में जाएगी. सो हमने ऐसे सपोज कर लिया कि लेट्स से कि वो V1 में जा रही है. ठीक है, आप V2 से लेके भी कर सकते हो, मैंने जो प्रूफ किया है वो V1 से लेके किया, इतना क्लियर है. नेक्स्ट देखो, If all the vertices of C are in V1, हमने एक X लिया ना, एक vertex ली V1 से belong कर रही है जो, ठीक है. So, अगर हम ये लेते हैं कि जो सारी की सारी edges हैं, जितनी भी vertices हैं C की, वो V1 में अगर जाती हैं, तो जितनी भी edges हैं वो भी V1 में चली जाएंगी. So, इनके बीच में अब जितनी भी एजेस थी वो सब कहाँ चली गई, V1 में चली गई. और V1 कहाँ से आ रहा है, G माइनस एस के दो पोर्शन है ये, तो
तो एस में और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब नंबर ऑफ कॉमन एजेस इज ज़ीरो एंड ज़ीरो इज एन इवन नंबर. तो इसके लिए तो ये केस ट्रू हो जाता है जब हमने लिया कि ये जो वर्टेक्स है सारी की सारी वर्टेक्स सर्किट में जा रही हैं. अब हम सपोज करते हैं कि सारी की सारी वर्टेक्स जो हैं वो वी वन में नहीं जा रही, कुछ वी वन में जा रही हैं कुछ वी टू में जा रही हैं, क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज से डील करना होता है. एक पॉसिबिलिटी से तो आंसर आ रहा है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सारी वी वन में ही चली जाएंगी. सो नेक्स्ट वी में सपोज दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ सी आर नॉट इन वी वन, दैट इज सम ऑफ देम बिलोंग्स टू वी टू. नाउ एक्स वन बिलोंगिंग्स टू वी वन, अगर कोई भी x1 लिया जो v1 से बिलोंग करता है तो हमने लेट किया कि x i1 होगा फर्स्ट वर्टेक्स कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड c विच इज़ इन v2, क्योंकि कुछ हमने v2 के भी लिए हैं तो हम बोल रहे हैं x i1 है जो v2 से बिलोंग करता है. अब ध्यान दो जो सर्किट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, x से स्टार्ट हुआ और x पे ही ख़त्म हो गया. x किसका एलिमेंट है, v1 का. तो अगर मैंने सर्किट बनाना स्टार्ट किया, एक एलिमेंट V1 से लिया, ठीक है ये X1, दूसरा एलिमेंट मैंने V2 से लिया, इसके बाद हम X1 के बाद हम X I1 के पास गए, बट इन रिटर्न तो मेरे को X के पास ही आना है और X का है V1 में. मतलब अगर हम V2 में भी गए हैं तो हमें फिर से एक और एज पकड़नी पड़ेगी ताकि हम कहाँ पहुँचे, वापस V2 तक पहुँच जाएँ. तो हमने V2 तक पहुँचने के लिए ले लिया एक X I2. सिंस द सर्किट यही सब लिखा हुआ है, सो एक्स आई टू कहाँ होगा, वी वन में एक एलिमेंट होगा. सो अगेन देयर मस्ट एग्जिस्ट, अब एक्स आई टू अगर वी वन में है तो अगर कोई और एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो वी टू में है, तो हमें फिर से वापस घूम के वी वन में ही आना पड़ेगा. हेंस व्हेन वी ट्रांसपोज द सर्किट सी, एवरी टाइम वी एंटर इन जी टू वी हैव टू लीव जी टू. अनलेस कब तक हम G2 को लीव करते रहेंगे, जब तक कि हम X वर्टेक्स पे वापस नहीं पहुंच जाते. दस ईच टाइम वन एज इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर G2 फ्रॉम G1 एंड नेक्स्ट एज ऑफ C इज़ रिक्वायर्ड टू लीव द ग्रुप G2. एंड फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट कि इनके अंदर जो कॉमन एजेस आएंगी दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू, मीन्स दैट इज़ एन इवन नंबर, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. सो थैंक यू क्लास.